जबकि शेष दो संयोजकताएं अन्य परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं। एथीन में सहसंयोजक बंध का चित्र। उसी प्रकार हम त्रिबंध का बनना भी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा समझा सकते हैं। अब हम नाइट्रोजन पर विचार करें, जिसमें प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है। चूंकि नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अतः नाइट्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणु गैस के रूप में होता है। नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंध का चित्र। आइए नाइट्रोजन की संरचना को समझें। दोनों नाइट्रोजन परमाणु के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं। स्थायित्व के लिए इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अतः ये दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यह ऑक्टेट नियम के अनुसार नाइट्रोजन की संरचना हुई। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बनता है, अतः नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिबंध बनते हैं। पूर्व में आपने देखा कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल या द्विबंध होता है। उसी प्रकार कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध भी पाया जाता है। अणु C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH की ऐसी संरचना होती है। एथाइन में सहसंयोजक बंध का चित्र। हमने इस अध्याय में देखा कि तत्वों की संयोजकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने में अपने संयोजी कक्ष से कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है। हमने यह भी देखा कि तत्व अपने ही परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा भी अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। अतः हम संयोजकता को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई तत्व अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझे हेतु उपलब्ध कराता है, वह उसकी या तत्व की संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए कार्बन को लें। चूंकि कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अतः कार्बन की संयोजकता 4 है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु कैल्शियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन की संयोजकता बताइए।